श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? सात्विकी, राजसी अथवा तामसी? पुराने पूर्व जन्मों के संस्कारों से कुछ लोगों के अंदर श्रद्धा तो होती है, लेकिन गुरु नहीं होते जीवन में, तो वो श्रद्धा से देवताओं का पूजन करते हैं, मनमाना अपना कोई भी देवता चुन लिए, उनका पूजन करते हैं और उसका फल चाहते हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसे लोगों की श्रद्धा कैसी होती है, सात्विकी, राजसी अथवा तामसी? श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी, ये तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तो मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। अंतःकरण हमारा बनता है पूर्व जन्म के संस्कारों से, पहले के संस्कारों से हमारा अंतःकरण बनता है। कोई देखिए सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, प्रेम वाले होते हैं, कोई लोग कर्कशाह होते हैं, हार्ड बोलते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, अपने मन से, वचन से, कर्म से परेशान करते हैं। ये स्वाभाविक होता है कुछ लोगों का। कोई बच्चा होता है दूसरों को मारता है, कोई बच्चा होता है बड़े प्यार से खेलता है, बोलता है, तो ये स्वाभाविक है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वो प्रेत और भूतकालों को पूजते हैं। मोटा मोटा अगर विभाग करें तो आपने देखा होगा कुछ लोग तो भगवान कृष्ण, राम ऐसे मानते हैं, उनको मानते हैं। कुछ लोग एकाध जगहें जहाँ पैसे वाले देवता रहते हैं, कुबेर स्थापित किया जाता है, वहाँ जाएंगे, मीलों लंबी लाइन लगी होगी, घंटों या दिन, एक दिन दो दिन निकल गया तब दर्शन मिले, वो भी धक्का मुक्की में। तो राजस लोग, राजसी लोग उनको चाहते हैं। और कुछ लोग घरों में देखा होगा आपने, जो पितर वितर हैं अपने उनको पूजते हैं, पुराने बुजुर्गों की फ़ोटो लगाई हुई है, दादे परदादे जो मर गए, कब के मर गए, उनकी फ़ोटो लगा के उनको पूजते हैं। तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं दुनिया में। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तो असुर स्वभाव वाले जान। अब जो मनमाना आचरण करने वाले लोग हैं, मना कल्पित घोर तप को तपते हैं। जैसे एक उदाहरण, कुंभ के मेले में एक फोटो आई, एक बाबा जी जो हैं वो छुरी को मुंह खोलकर या गाल से डालकर, इधर गाल से निकली हुई थी छुरी, ऐसे रह रहे हैं। एक बाबा जी पेड़ से उल्टा लटके हुए थे, एक खड़े थे, बोला कब से खड़े हो, बोला 12 साल से हम खड़े ही हैं, न कभी लेटे न बैठे, न कभी लेट के सोए, खड़े खड़े सो गए, खड़े खड़े खा लिया, खड़े खड़े ठड़े सूरी कहते हैं ऐसे लोगों को। किन्हीं ने जीप कटा रखी, किन्हीं ने भस्मी मल रखी, तो तरह तरह के जटाओं वाले बाबा, लंबी लंबी जटाएं यहाँ तक गोल गोल घूंघराली बाल करके जटाएं बांध रखी आपस में। तो ये मनमाना घोर तप तपते हैं, बड़ा तप करते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं, लेकिन होता मन के अनुसार है। शास्त्रों में विधान कहीं नहीं है ऐसा कि आप जीभ कटा लो, उल्टे लटक जाओ, ऐसा काम करो, शास्त्रों में कहीं भी नहीं कहा गया। तपस्या होती है जीवन में समता का रहना, सुख आवे दुख आवे, लाभ हो हानि हो, मान हो अपमान हो,
कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, तरह तरह के ये जो प्राकृतिक जो अप्स एंड डाउन्स हैं, इनमें सम रहना, शांत रहना, इनको सहन करना। हमारे घर में कोई उल्टा चलने वाला है, बुरी तरह बोलता है, हम सह जाते, ये तपस्या है। भगवान ने जो दिया है उसको सहना तपस्या है, हम जो करते हैं ये मनमाना तप है। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है, वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तुम मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय, ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। अब सात्विक भावना वाले जो लोग होते हैं उनको कौन सा भोजन अच्छा लगता है? भगवान ने नहीं कहा वो लौकी खाते हैं, तोरई खाते हैं, प्याज तो खाते ही नहीं है, लहसुन तो देखते ही नहीं है, मीट मच्छी तो छोड़ दो। भगवान ने कुछ नहीं बोला ऐसा। भगवान वो बात कह रहे हैं, तुम ऐसा भोजन करो जिसका सार तत्व तुम्हारे शरीर में बहुत समय तक रहे, अर्थात जो तुमको ताकत देने वाला हो, तुम्हारी आयु को बढ़ाने वाला हो, तुम्हारी मानसिक शांति देने वाला हो, खुशी देने वाला हो। उदाहरण के तौर पर अगर व्याख्या में हम देखें तो संतों ने इसका उदाहरण दिए हैं, दूध, दही, घी, मक्खन। अभी तो घी कहते मत खाओ, कई चीजें निकाले को तो दूध ही मत पियो। बहुत सारे डॉक्टर दूध के लिए मना करते हैं, दूध नहीं पीना चाहिए, अब क्या कारण है वो जाने। तो भगवान ने तो ये सब पदार्थ भोजन के लिए बोला है जिसका सार शरीर में बहुत काल तक रहता है। एक संत जी जो हैं गाय का दूध पिया करते थे, तो एक मिलने आया, बोला अच्छा आपको ताजा गाय का दूध मिलता है, आपके यहाँ गाय है? बोले हाँ, ये करीब 8 महीने दूध देती है, 4 महीने नहीं देती है। तो महाराज अब तब क्या करते हो? बोले ये जो दूध ज़्यादा होता है इसका मैं घी बना लेता हूँ, दही जमा लेता हूँ, घी निकाल लेता हूँ, मठा पी लेता हूँ, और वो जो घी होता है वो 4 महीने के लिए मैं जमा कर लेता हूँ, उन 4 महीनों में मैं रोटी पर घी लगा के खाता हूँ, दूध नहीं पीता तब। देखिए भगवान ने क्या चीज़ बनाई थी, हमने तो ऐसे कभी सोचा भी नहीं। हम सोचते हैं घी मतलब रोज में, तो ये करते थे कि दूध पीते थे रोज में और तब घी ले इस्तेमाल करते थे जब दूध नहीं होता था। कितनी बढ़िया बात। बाकी जो ताजा बना हुआ भोजन होता है घर का, उसमें आप जो भी बनाते हैं, ताजा सब्जियां, ताजा ताजा चीजें, जिसको सात्विक भोजन कहते हैं, कम मिर्च मसाले का, सब जानते हैं सब लोग इस तरह का, यानी प्योर भोजन जो होता है वो सात्विक। अब रजोगुणी लोग कैसा पसंद करते हैं? कड़वा, खट्टा, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले। तो भगवान ने कहा कि जो रजोगुणी लोग होते हैं इनको बड़ी खट्टी चीज चाहिए, बड़ी नमकीन चीज चाहिए, बहुत गर्म चाहिए, खूब भूनो, खाने को इतना भून दो कि उसके विटामिन्स और मिनरल्स तो सब मर जाएं, छूछ बचे और छूछ में आवे टेस्ट प्याज का और लहसुन का और खूब मिर्चा। तो भगवान ने निंदा कोई नहीं की, बस ये कह दिया कि ऐसा भोजन रजोगुणी लोगों को प्रिय होता है। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंधयुक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अब तमोगुणी लोग जो होते हैं, आसुरी संपदा वाले, उनको कैसा पसंद होता है? अधपका, कच्चा कच्चा रखना। तो अधपका, रस रहित, सूख गया हो, पुरानी सब्जी पड़ी है, पुरानी चीज़ें पड़ी हैं, दुर्गंधयुक्त, बदबू आ रही है जिनमें से, बासी रखा हुआ है। बासी वैसे उसको कहते हैं कोई भी भोजन जो फ्रिज के बिना अगर आप रात को रख दें और एक रात बीत जाए तो उस भोजन को बासी कहते हैं। और उच्छिष्ट है, कोई कुत्ता उत्ता मुंह डाल गया हो उसमें,
कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, ले यार मक्खी, ये मक्खी चूस कैसे शब्द बना। एक बार एक सेठ जी चाय पी रहे थे, उसमें गिर गई मक्खी, मक्खी निकाली उन्होंने पकड़ के उंगली से, निकाल करके उसको चूसा और फेंक दी। तो किसी ने पूछा, महाराज मक्खी निकाल के फेंक दी वहां तक तो ठीक है, पर ये चूसा क्यों आपने? बोले ये इतनी चाय जो पी गई इसमें गिर के, ऐसे पी ले लूंगा क्या उसको? कंजूस भाई, कंजूस तो फिर कंजूस ठहरा, इतनी भी चाय क्यों चली जाए? तो बोला वो भी उसके मुंह में से खींच करके चूस ली, फिर फेंकी मक्खी। तो इसको तब उदाहरण बना मक्खी चूस। तो अपवित्र भी है ना, ये सब अपवित्र चीज ऐसे करते, वो भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। देखिए भगवान ने किसी उसका नाम नहीं लिया, मूली मत खा के, गाजर मत खा के, लौकी मत खा, या लौकी खा के तोरई खा ये मत खा, नहीं। भगवान ने मोटी मोटी बात कह दी कि एक तो होते हैं जो सात्विक भोजन करते हैं, एक होते हैं खूब नमक मिर्चा मसाला भुना हुआ वैसा करते हैं, एक होते हैं दुर्गंधयुक्त बासी पुराना कुत्ता उत्ता खा गया हो कोई बात नहीं, खराब भोजन खा लेते, ये तामसी पुरुष। इसे ऐसे विभाग कर दिया। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह सात्विक। जीवन है देने का नाम, यज्ञार्थ जीवन, सबके लिए कुछ न कुछ करते चलो, जो आपसे बन पड़े शरीर से सेवा, धन से जो बन पड़े सेवा, जहां जैसा बन पड़े आप सेवा करते चलो। कुछ नहीं कर सकते तो शुद्ध भाव रखो मन से, मानसिक वाइब्रेशन जो हमारे निकले, हे नाथ सबके मन को शांति मिले, हे प्रभु हे नाथ सबके मन को शांति मिले, सब खुश रहें, ये भगवान से प्रार्थना जो करना है, ये मानसिक अच्छा कर्म है, यज्ञ है मानसिक यज्ञ। और ये होता है सेल्फलेस, मतलब बिना किसी कामना के, मेरा क्या हित होगा नहीं, ये वो सोचता नहीं है, वो जानता है भगवान क्या नियम है, एक देवे दस पावे, या भगवान क्या नियम है, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा आदमी करता है वैसा भरता है, बहुत सारी कहावतें हैं इसके लिए, जो करोगे सो भरोगे, ऐसे है ना। तो आप अच्छा काम करेंगे लौट के अच्छा ही मिलेगा, यज्ञ करता है जीवन उसका यज्ञ सहित होता है। परंतु हे अर्जुन, केवल दम्भाचरण के लिए अथवा फल को दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तो राजस जान। राजस यज्ञ कौन सा हुआ? सात्विक तो वो हुआ जिसमें निष्काम सेवा होती है। राजस कौन सा हुआ? जो दिखावे के लिए फल को दृष्टि में रखकर, मैं करूँगा इसका, मैं यहाँ दान दूंगा तो मेरा नाम होगा, मेरी नेम प्लेट लगेगी, मेरा पत्थर लगेगा, मुझे लोग जानेंगे, लाउड स्पीकर पर अनाउंस होगा कि फलाने सज्जन ने इतने पैसे दान दिए, उस यज्ञ को तो राजस जान। शास्त्र विधि से हीन अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। अब देना रूप क्रिया जो है, मान लीजिए किसी ने हवन यज्ञ कराया, शास्त्र विधि से हीन, मन माना करो जी करो पंडित जी, मंत्र मंत्र कुछ नहीं, जो मर्जी बोल दो, उठपटांग स्वाहा स्वाहा बोलते जाओ, कोई अन्नदान नहीं किसी को, बिना मंत्रों के बिना दक्षिणा के, जब पंडित जी ने करा दिया, तुमने कराया क्या है, आरती करो जल्दी से और जाओ यहाँ से, 100 का नोट पकड़ाया, चलो जी चलो बहुत हो गया। तो ये बिना दक्षिणा के है एक तरह से, पंडित जी का ना कोई सम्मान है, ना उनका कोई आदर है, ना उनको ठीक दक्षिणा है, बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को ये तामसी यज्ञ होता है, ये तमोगुणी लोग करते हैं, राक्षसी प्रकृति वाले, कुछ देना नहीं चाहते किसी को। अब शरीर संबंधी तप क्या होता है? देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। फिर वाणी का क्या तप है? जो उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है,
तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। हमारा जो बोलने में क्या तप है, ऐसा बोलो, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपा शीतल होए, उद्वेग न करने वाला, किसी को उद्वेगित न करे, गुस्से में न लाए, परेशान न करे, प्रिय हो, हितकारक बोली हो, यथार्थ जैसा देखा सुना समझा वैसा बोले, वेद शास्त्रों का पठन पाठन पढ़े और पढ़ावे, भगवान के नाम जप का अभ्यास, भगवान के नाम का कीर्तन करे, ये वाणी संबंधी तप है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं, मन से, वचन से और कर्मों से। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। एक तो होता है सच्ची प्रकार से तप कर, पहले जैसे बताया, एक होता है दिखावे के लिए तप कर, तो दिखावे का जो तप है वो राजस है। जो तप मूढ़तापूर्वक हट से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। किसी दूसरे का बुरा करना हो उसके लिए कोई तप करे तो ये तमोगुणी तप है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। सात्विक दान क्या है? दान देना कर्तव्य है। देश, काल, पात्र देखा, इस व्यक्ति को क्या जरूरत है, हमारे पास है, आराम से दे सकते हैं, दे दिया, ये सात्विक दान हो गया। लेकिन जो दान क्लेश पूर्वक, हमारे मन में भी क्लेश है, दूसरे को भी क्लेश दिया, तब दिया, तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से बदले में क्या मिलेगा ये जरूरी है, अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वो दान राजस है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। कुछ दिया तो लेकिन झड़क कर दिया, और ऐसे व्यक्ति को दिया जिसको उस चीज की जरूरत ही नहीं है, तो ये दान तामस है। अब कुछ भी दिया जाए जीवन में, कुछ भी हम देते हैं, चाहे भाव से चाहे कर्म से, भगवान कह रहे हैं ओम तत् सत्, ये तीन शब्दों का उच्चारण करके ओम तत् सत्, तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए, इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। कुछ भी दें ओम तत् सत्, ओम भगवान का नाम हो गया, तत् ये आपका ही है भगवान, सत् मतलब जो भावना है मेरी वो सत् भावना है, आप सत्य स्वरूप हैं, मेरी भावना भी सत्य है, सात्विक दान दे रहा हूं, मुझे प्रत्युपकार की इच्छा नहीं है, बदले की चाहना नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, भगवान आपका दिया हुआ आप ही को दे रहा हूं, ये इसका भाव है। अब इस भाव से दिया जाए तो इसका फल कई गुना हो जाता है। भाव तो नहीं है ऐसा कि कई गुना होके हमको लौट के मिले, लेकिन ऐसा भगवान की तरफ से है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही ये सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं और दान रूप क्रियाएं
कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, सब कुछ आपका है, हम तो निमित्त मात्र हैं। जैसे कोई भी कार्य हुआ, मान लीजिए किन्नी सेठ जी ने हमको कहा जरा ये बाहर जाकर 100 रुपये एक हमारा आदमी खड़ा है उसको दे आओ, तो हम गए 100 रुपये ला करके उसको दे दिए। वो कहे आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, हम क्या कहेंगे, भाई मेरा क्या धन्यवाद है, सेठ जी का है, सेठ जी ने दिए हैं, आपको ला के दे दो, मैंने आपको ला के दे दिए, मैं तो बीच में एक मीडिएटर हूँ, मैंने तो ला करके दे दिए हैं, बस मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। ये दुनिया सब भगवान की है, इसमें सब कुछ भगवान का है, हम सब भगवान के हैं, सारी चीज़ें भगवान की हैं। हम सोचते हैं मैंने इसको ये दिया, मैंने उसको वो दिया, कोई कुछ नहीं दे सकता, ये तो सब भगवान का है, भगवान ही दिलवाते हैं, और जिसको दिलवाते हैं भगवान की प्रेरणा होती है तब उसको हम दे पाते हैं, और नहीं तो हम सोचते रहते हैं दूँ ना दूँ, तब तक वो व्यक्ति चला जाता है, हम सोचते ही रह जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं ओम तत्सत, ऐसा भाव रखकर, ऐसे मंत्र को जपकर तब दो कोई चीज़, भगवान आपका आपको अर्पण। सत, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है, इसलिए वह न तो इस श्लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। बिना श्रद्धा के कोई भी अच्छा काम करेंगे उसका कोई लाभ नहीं मिलता। हमेशा कोई भी कार्य किया जाए, कोई भी अच्छा कार्य किया जाए, वो श्रद्धा से किया जाए और भगवान को याद करके किया जाए, तो उसका फल अनंत होता है, वो कर्म सुख देने वाला होता है, नहीं तो ऐसे ही है, ऐसे ही चला जाता है सब। गुरु भगवान के शुक्राना।